संज्ञा पर आधारित कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इस संज्ञा को हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के रूढ़ि। अर्थ के आधार पर कितने हैं? कुल मिलाकर छह हैं। कौन कौन से हैं? विधानात्मक मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर निषेधात्मक निगेटिव, प्रश्नार्थक क्वेश्चन, आज्ञार्थक ऑर्डर देना, विस्मयार्थक और संदेहार्थक। देखिए आज हम इसके बारे में जानकारी विस्तार रूप से लेते हैं। यहाँ पर देखिए विधान, विधान मतलब कौन सा भी विधान हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर हिंदी में विधानात्मक वाक्य मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, क्योंकि निगेटिव का मतलब निषेधात्मक वाक्य को अबला है। इसी कारण विधानात्मक मतलब जिसमें होने होने की क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है वह होता ही है, संभव है, उसे हम क्या कहेंगे? विधानात्मक। जैसे कि मैंने पढ़ाई की, पिछली दशिका को भी हमने यह उदाहरण लिया हुआ था, वह था कौन सा? प्रश्न पर आधारित सरल वाक्य था। देखिए यहाँ पर होने की क्रिया है, वह कार्य हो रहा है, तो वह क्या होगा? विधानात्मक होगा। समझे हैं? मैं पाठशाला जाऊंगा, मैं पाठशाला जाऊंगा, यह कैसा है? विधान है, विधानात्मक है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इसी कारण यह वाक्य किसमें आता है? विधानात्मक वाक्य में आता है। समझ गए बच्चों? पहला है होने की क्रिया है, होना संभव है। दूसरा निषेधात्मक, निषेधात्मक में जो क्रिया होती है मतलब उसमें नकार दर्शाता है, असंभवता दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधात्मक। अब यही निषेधात्मक, मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना कहता है, वहां काम मत करो, वह सब चीज मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से जिसमें ना या नो मत ये शब्द होते हैं जिस वाक्य में, उसे हम कैसा वाक्य कहेंगे? निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। मतलब यहाँ पर नकार स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, न करने की बात होती है, असंभव होता है, इसी कारण यहाँ पर उस वाक्य को निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। इन दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर विरोध में है। यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर ना, यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर ना है। जैसे कि यह सब्जी मुझे बहुत पसंद है, विधानात्मक हो। यहाँ सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, निषेधात्मक हो। मैं पाठशाला जाऊंगा, विधानात्मक है। मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा, निषेधात्मक। मैं खेलूंगा, विधानात्मक। मैं खेलने नहीं जाऊंगा, निषेधात्मक है। इस तरह से यहाँ एक दूसरे के बराबर विरोध में है, ये पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। इस तरह से हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। समझ गए बच्चों? दूसरा कथा रेखा उदाहरण मैं देती हूँ। यहाँ पर जैसे क्रम है, उसी क्रम से मैं यहाँ पर एक एक उदाहरण देती हूँ। वह सब्जी मुझे पसंद नहीं है। देखिए यहां पर नहीं ना यह शब्द आया हुआ है, इसी कारण यह कौन सा हुआ? निषेधात्मक। ध्यान में रखिए निषेधात्मक में न करना, पसंद न करना या असंभव, यह बातें होती ही है, नकार दर्शाता है, उसे ही हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए अगला है प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक वाक्य में
कहा जाता है प्रश्नार्थक वाक्य। अंत में प्रश्न चिन्ह होता ही है, अंत में प्रश्न चिन्ह होता ही है। ध्यान रखिए प्रश्नार्थक, तुम क्या कर रहे हो? बारिश हुई,
लेकिन क्या पता बादल आए और चले गए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम सिर्फ आशंका वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं शायद कल मैं पाठशाला नहीं आऊंगा, क्यों पता नहीं, लेकिन कल मूड होगा कि नहीं यह मैं आज नहीं कह सकता। या कई छात्र ऐसे भी कहेंगे कल मैं गांव जाने वाला हूं, लेकिन जाना निश्चित नहीं है, जाएंगे भी और नहीं भी। इसी कारण शायद ऐसा हम शब्द प्रस्तुत करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो यह होता है संदेह, मतलब आशंका होती है। देखिए छठा, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। इस तरह से बच्चों ये जो वाक्य है ये वाक्य इनके अनुसार हमने देख लिए। यहां पर एक बात और ध्यान में रखिए, वाक्य के दो प्रकार हैं, रचना पर आधारित और अर्थ पर आधारित। हम कैसे ध्यान में रखेंगे यह बात ध्यान में रखिए। रचना पर आधारित र च न तीन अक्षर है तो सिर्फ तीन भेद है। आप कहेंगे अर्थ दो ही अक्षर है उसके छह है, इसके लिए हम अलग तरीका देखते हैं। रचना पर आधारित सरल या साधारण, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीन ही है। अर्थ पर आधारित हम गफलत कर सकते हैं, रचना पर आधारित कौन से है और अर्थ पर आधारित कौन से है। अगर हमने लिखा रचना पर आधारित लिखिए तो हम लिख सकते हैं अर्थ पर आधारित। तो ध्यान में रखिए जो भी अर्थ पर आधारित होते हैं, जो भी अर्थ पर आधारित होते हैं वे उनके अंत में अर्थक अर्थ के शब्द होते हैं। जैसे कि विधानार्थ, निषेधार्थ, प्रश्नार्थ, आज्ञार्थ, विस्मयार्थ, संदेहार्थ। अर्थ है मतलब अर्थक अर्थक अर्थ के शब्द है और रचना है इसके अंत में अर्थ ऐसा है क्या नहीं, सरल या साधारण, संयुक्त और मिश्र। रचना के आधार पर तीन है, उससे दुगना अर्थ के आधार पर है। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं।